मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाके बदस्तूर सर्दी की लपेट में, बर्फबारी और बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, चमन में बर्फबारी के साथ यालाबारी, स्कर्दू में सफ़ेद गाले गिरने से हर सू सफ़ेदी छा गई। बलाई पहाड़ों पर एक फुट तक बर्फ पड़ चुकी, पंजाब में मौसम अबरालूल। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर, प्रवासें ताखीर का शिकार। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में कल स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में आलमी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए अहम संगे मील साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से जनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। नुमाइंदा IMF के मुताबिक जनीवा में बैन-उल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस माहौलियाती बचाव के सिलसिले में हो रही है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत में पेशरफ्त का भी इम्कान है। कराची में नई हलका बंदियों के लिए एहतजाज। MQM ने कल की रैली की तारीख तब्दील कर दी। रैली अब 9 के बजाय 11 जनवरी को निकाली जाएगी। MQM के धड़े भी मुतहद होने लगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर फारूक सत्तार से राबता। मुतहदा का वफ्द आज फारूक सत्तार की रिहाइश का जाएगा। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने का मुआहदा कल अमरीकी रियासत के दारुल हुकूमत सैक्रामेंटो में होगा। तकरीब में शिरकत के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी वफ्द आज कैलिफोर्निया पहुंच गया। वफ्द में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान भी मौजूद। मुआहदे से पंजाब और कैलिफोर्निया के दरमियान तजारती, मुआशी और कारोबारी तालुकात में इजाफा होगा। लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भर्तियों का फैसला। मुख्तलिफ शोबों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर लीं। रूडा की जानिब से 12 शुबों में 170 मुलाजमीन भर्ती होंगे। दरखास्तें 15 जनवरी से पहले जमा कराने की हिदायत। उम्मीदवार रूडा साइट पर ऑनलाइन या रूडा दफ्तर में दरखास्त जमा करा सकते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर इलाकों में कई रोज से अब्र-ए-करम बरसने का सिलसिला जारी। कई दिनों की बारिश के बाद पहाड़ी इलाके और सहरा सब्जा जार में तब्दील। मीना, मतलफा और दीगर इलाकों में जहां खुश्की हुआ करती थी, घास और हरियाली पैदा हो गई। पहाड़ियों पर बारिश का पानी आबशार का मंजर पेश करने लगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के सहरा में ऊँटों के लिए होटल बना दिया गया। 480 कमरों पर मुश्तमिल होटल में कई सहूलियात मुहैया। ऊँटों के मालिक बेफिक्र होकर अपने जानवरों को देखभाल के लिए छोड़ सकते हैं। और थर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 3 रोजा फ्लड जीप रैली का आखिरी रोज। प्रीपेड कैटेगरी में 23 गाड़ियां रेस में शिरकत कर रही हैं। 107 किलोमीटर के ट्रैक पर 23 रेसर्स मद्दे मुकाबिल। रेगिस्तान के धूल उड़ाते ट्रैक पर ड्राइवर्स का स्पीड का शानदार मुजाहरा। कराच हद निगाह सफर होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर, मोटरवे M11 लाहौर से सबड़िया तक धुंध की वजह से बंद है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रास्ते गुम। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर, परवासें ताखीर का शिकार। तबाहकुन सैलाब से गजाई अदम तहफ़ के शिकार अफराद की तादाद दोगुना, 1,40,00,000 से तजावुज कर गई। 90,00,000 अफराद इंतहाई गुरबत में चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू। बोले, ज्यादा तशवीश की बात यह है कि मुतासर इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खतरा है। फिर सैलाब आया तो सूरत हाल तबाहकुन होगी।
मौजूदा पानी मस्नू तरीके से निकालने के लिए मजीद एक साल से जायद का वक्त लग सकता है। और लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भर्तियों का फैसला, मुख्तलिफ शोबों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर ली। टूडा की जानिब से 12 शोबों में 170 मुलाजमीन भर्ती होंगे। दरखास्तें 15 जनवरी से पहले जमा कराने की हिदायत। उम्मीदवार रूडा साइट पर ऑनलाइन या रूडा दफ्तर में दरखास्त जमा करा सकते हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, छद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद, दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रास्ते गुम, एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुतासर, परवासें ताखिर का शिकार। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं बलोचिस्तान में दाखिल हो गई, आज बादल बरसने की पेश गोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम अबर आलूद, स्कर्दू और गिरदनवा में बर्फबारी। और लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भर्तियों का फैसला, मुख्तलिफ शोबों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर ली। टूडा की जानिब से 12 शोबों में 170 मुलाजमीन भर्ती होंगे। दरखास्तें 15 जनवरी से पहले जमा कराने की हिदायत। उम्मीदवार रूडा साइट पर ऑनलाइन या रूडा दफ्तर में दरखास्त जमा करा सकते हैं। मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाके बदस्तूर सर्दी की लपेट में, बर्फबारी और बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, चमन में बर्फबारी के साथ यालाबारी, स्कर्दू में सफ़ेद गाले गिरने से हर सू सफ़ेदी छा गई। बलाई पहाड़ों पर 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी, पंजाब में मौसम अबर आलूद। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुतासर, परवासें ताखीर का शिकार। पाकिस्तान और अकवाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेजबानी में कल स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में आलमी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए अहम संगे मील साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MGIMF से जनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। नुमाइंदा IMF के मुताबिक जनीवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस माहौलियाती बचाव के सिलसिले में हो रही है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF वफ्द की वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत में पेशरफ्त का भी इम्कान है। कराची में नई हल्का बंदियों के लिए एहतजाज, MQM ने कल की रैली की तारीख तब्दील कर दी। रैली अब 9 के बजाय 11 जनवरी को निकाली जाएगी। MQM के धड़े भी मुतहद होने लगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर फारूक सत्तार से राबता, मुतहदा का वफ्द आज फारूक सत्तार की रिहाइश का जाएगा। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने का मुआहदा कल अमरीकी रियासत के दारुल हुकूमत सैक्रामेंटो में होगा। तकरीब में शिरकत के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी वफ्द आज कैलिफोर्निया पहुंच गया। वफ्द में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान भी मौजूद। मुआहदे से पंजाब और कैलिफोर्निया के दरमियान तजारती, मुआशी और कारोबारी तालुकात में इजाफा होगा। लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भर्तियों का फैसला, मुख्तलिफ शोबों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर लीं। टूडा की जानिब से 12 शोबों में 170 मुलाजमीन भर्ती होंगे। दरखास्तें 15 जनवरी से पहले जमा कराने की हिदायत। उम्मीदवार रूडा साइट पर ऑनलाइन या रूडा दफ्तर में दरखास्त जमा करा सकते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर इलाकों में कई रोज से अबरे करम बरसने का सिलसिला जारी। कई दिनों की बारिश के बाद पहाड़ी इलाके और सहरा सब्जाजार में तब्दील। मीना, मतलफा और दीगर इलाकों में जहां खुश्की हुआ करती थी, घास और हरियाली पैदा हो गई। पहाड़ियों पर बारिश का पानी आबशार का मंजर पेश करने लगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के सहरा में ऊँटों के लिए होटल बना दिया गया। 480 कमरों पर मुश्तमिल होटल में कई सहूलियात मुहैया।
ऊंटों के मालिक बेफिक्र होकर अपने जानवरों को देखभाल के लिए छोड़ सकते हैं। और थर में सिला मुतासरीन की मदद के लिए 3 रोजा फ्लड जीप रैली का आखिरी रोज। प्रीपेड कैटेगरी में 23 गाड़ियां रेस में शिरकत कर रही हैं। 107 किलोमीटर के ट्रैक पर 23 रेसर्स मद्दे मुकाबले। रेगिस्तान के धूल उड़ाते ट्रैक पर ड्राइवर्स का स्पीड का शानदार मुजाहरा।